गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी वर्कआउट करने आए हैं, मैं तो सिर्फ वॉक करने आई हूँ। 3 घंटे सोई हूँ मैं, मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा जैसे रेस्टलेस हो। सुबह जल्दी उठने की एंग्जाइटी हो रही थी, ये फर्स्ट डे था मेरा आज जो मैं इतनी जल्दी उठी हूँ, और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि इट ओनली टेक्स करेज टू स्टार्ट, एक बार शुरू कर दे तो ठीक है, नहीं तो सुबह 2 घंटे पढ़ने का इंटेंशन था मेरा, मैं पढ़ नहीं पाई उतना पूरा का पूरा। मैं बहुत बीच बीच में स्लिप भी फील कर रही थी। बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं बाहर आके थोड़ा वॉक करूं, क्योंकि आज फ्राइडे तो कल मुझे वीडियो भी पोस्ट करनी है, और मेरा जो मैनेजमेंट है ना यूट्यूब और स्टडी के बीच का, वो बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस्ड हो चुका है। मैंने ये सोचा है कि मैं अपने आप पर हर वीक पोस्ट करने का स्ट्रेस नहीं डालना चाहती, वो इसलिए क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ। एंड ये आवा कि मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर भी रिस्पॉन्स करने इस वीडियो में। तो अभी मैंने सोचा है कि जब मेरा मन होगा, जब मैं दिल से इंजॉय करूँगी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, तभी मैं पोस्ट करूँगी। साधु काम हम रहे, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, कहाँ होती है शिमला, क्वालिफाई कर लेते हैं। डन विद वर्कआउट, इधर से जाएंगे मुंह पर। तो बहुत सांस फूलती है, मोटे लोगों को दिक्कत होती है। उनका खौफनाक सपना इसमें होता है एसिड, कौन सा एसिड होता है, नेटल बोलते हैं इसको शायद, एक जगह नोटों का बना हुआ इसमें लिखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक एसिड होता है, मैं भूल गई। ये ना स्कूल में सामने वो स्पोर्ट्स वगैरह की प्रैक्टिस हो रही है। बाय द वे मैं तैयार हो चुकी हूँ, दिस इज लुक ऑफ द डे। यार इनको इतना क्यों चिल्लाना होता है, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बार बार, ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं म्यूज़िक सुनूं, और ये भी एक्चुअली में मेरी रूटीन का पार्ट है, खुद को चिल रखना और खुश रखना, मेक सेंस या। तो अभी मैं म्यूज़िक बजाऊँगी, गाऊँगी, नाचूँगी। इसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। लोहा बनेगा। हाय एवरीवन, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ना कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई किए हैं, और अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनके मुझे रिप्लाई करने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई कर दूं, जो कि मैंने नोटबुक पे लिख दिया है, तो मैं इधर से ही देख के आपको आंसर करूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर करंट एज, इसका रिप्लाई मैंने लास्ट वीडियो में भी दे दिया यार। नेक्स्ट इज़, फ्रॉम वेयर डू यू शॉप योर क्लोथ्स,
एक्चुअली इसका भी रिप्लाई मैंने फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो है ना जो मेरे चैनल पे उस पर दिया हुआ है, पर मैं फिर से दे देती हूँ. जो मोस्टली कपड़े हैं ना वो मेरे पेरेंट्स लेते हैं यार, और इवन जो ये मैंने अभी टी शर्ट डाली है ये भी मेरे पिताजी ने लिए है. और मैंने ये शायद लास्ट वीडियो में बोला है, जो मैंने जॉगर डाला है वो मैंने खुद लिया था, और ये मैंने शिमला से लिया था संजौली से, जो कि अच्छा नहीं है. अच्छे अच्छे कपड़े जो दिखे हैं मेरे पास कभी वो मेरे पेरेंट्स के खरीदे हुए, और जो अजीब दिखता है वो मैं हर कहीं से ले आती हूँ. सेल में दिख रहा तो सेल से उठा लेती हूँ, ऑनलाइन दिखता है तो ऑनलाइन से ऑनलाइन ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये तो सस्ता मिल रहा है और ये अच्छा भी मिल रहा है. और मैं ज़्यादा कपड़ों पे पैसे स्पेंड नहीं करती हूँ, मैंने पहले भी बोला है. एग्जैक्टली मैंने यही पहले भी बोला है. फिर इन्होंने पूछा है What is your स्किन केयर रूटीन. एक्चुअली मेरा कोई आइडियल रूटीन नहीं है अगर मैं स्किन केयर रूटीन की बात करूँ. तभी तो दिख रहा है ना, ये मेहमान आ जाते हैं कभी भी, हार्मोनल एक्ने, इनको कुछ हो भी नहीं सकता है. हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में मैं एक बारी क्लिनजर से फेस वॉश करूँ और एक बारी बिना क्लिनजर के. जैसे अभी पूरा स्किन केयर किया है, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाई है, ठीक है, और आई लाइनर लगाया है. तो मैं शाम को क्लिनजर से फेस वॉश करूँगी और सुबह उठूँगी. उठ के भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लिनजर ही यूज़ करूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन मैंने सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई नहीं करी होती है उस दिन मैं कई बार ऐसे ही धो लेती हूँ ठंडे पानी से. तो ऐसा कोई मेरा आइडियल रूटीन नहीं है. और स्किन केयर में मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो एक्चुअली ऐसे प्रमोट नहीं करना चाह रही मैं, लेकिन जैसे मुझे वो हार्मोनल एक्ने स्टार्ट होने लग गए तो मैंने अपने रूटीन में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश की. और उसके चक्कर में मैंने एक नया ब्रांड ट्राई किया, वो है सिंपल का फेस वॉश, सिंपल का ही मॉइस्चराइजर साथ न्यूट्रोजिना की सनस्क्रीन, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ. मैं मॉइस्चराइजर को चेंज करने का सोच रही हूँ. मैं सारा क्रेडिट इन प्रोडक्ट्स को नहीं देना चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ इनसे मुझे हेल्प हुई है अपनी बॉडी से ना सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट किया, बहुत सारा पानी पिया यार. आई नो किसी भी लड़की को खासकर ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई स्किन केयर एडवाइस दे और ये बोले कि पानी पियो. और मैंने खुद के केस में ऐसा देखा है कि जैसे ही मैंने अपनी बॉडी मूवमेंट शुरू की ना, जैसे ही मैंने वर्कआउट वगैरह थोड़ा थोड़ा करना डेली बेसिस पे शुरू किया और ज़्यादा फाइबर्स इनटेक किए, स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ ही दिया, क्योंकि जो स्ट्रेस एक्नेज होते हैं ना वो बहुत ही बहुत स्टबर्न होता है, वो जाते ही नहीं है यार. तो काफ़ी कोशिश की कि मेंटली भी हेल्दी रहूँ, और क्योंकि मुझे B12 और D की डेफिशिएंसी भी थी तो ये भी कॉज करता है, तो सन बात लेना तो ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाया. अभी लास्ट टाइम जब मैं शिमला गई थी ना, वो ना मेरा लास्ट विजिट था इस साल शिमला का. मैं उधर जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी बिना वीडियो या व्लॉग के टेंशन दिए, तो इसलिए मैंने सोचा रहन देती हूँ. तो या फिर पूछा है डू यू बिलीव इन कुंडली एंड ऑल. ऑनेस्टली नो, पर क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, बहुत ही पुराने कल्चरों से घिरी हुई रहती हूँ, बहुत ज़्यादा पुराने, इतने कि ऐसा लगता है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर रिचुअल हो तो दिल से आवाज़ निकलती, किस रिचुअल के पीछे कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. पर फिर मैं अपने बड़े बुजुर्गों को देखती हूँ, मेरे पेरेंट्स ही हो गए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ किसी की. इंडिविजुअली अगर मेरे ओपिनियन की बात हो रही है तो नहीं, मुझे ये चीज़ें रोक नहीं सकती कुछ करने से अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, एज लॉन्ग एज वो गलत इरादे से किए हुए एक्शन ना हो. अभी आप कुंडली वाली बात कर रहे हो तो आई हैव नेवर बीन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे बिलीव करना है या नहीं करना है. मैं फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत खुद भी ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बहुत डिसरिस्पेक्टेड महसूस करती हूँ जब मेरे घर वाले और कोई भी लोग जो है ना वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ें करते हैं और फिर मुझ पर क्वेश्चन रेज करते हैं या मैं क्वेश्चन रेज ना कर पाऊँ, तो मुझे वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है. पर आई अंडरस्टैंड द एज डिफरेंस, तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुन लेती हूँ चीज़ें सिर्फ. आई एम गुड लिसनर कभी कभी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट बुक. मैंने ना बहुत सारी, अगर फिक्शनल बुक्स की बात करूँ, पढ़ी नहीं है बहुत सारी, पर हाँ एक बुक है
जिसको पढ़ने के लिए ना मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो अभी ऑन द वे है, मेरे तक पहुँचने वाली है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी, ठीक है। फेवरेट प्लेस टू गो, मतलब जहाँ पे मैं आज तक गई हूँ उसमें से कुछ फेवरेट प्लेस पढ़ के सबसे पहले जो मुझे याद आई जगह वो है मेरा गाँव। और गाँव में ना हमारा एक बहुत बड़ा खेत है यार, तो वहाँ पर एक जगह है, वो जगह ना मेरी फेवरेट है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ गाँव जाना फ़िलहाल, और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, पर हाँ मैं जैसे ही जाऊँगी सबसे पहले मैं उधर जाऊँगी और मैं आपको भी लेके जाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू कीप योर सेल्फ चिल, डू आई लुक लाइक आई ऑलवेज स्टे चिल, पता नहीं यार इसका आंसर मुझे पता ही नहीं है, पर ना मैं सीरियस भी हूँ काफ़ी। नेक्स्ट इज हाउ डू यू ओवरकम लेजीनेस, आई एम वेरी वेरी लेज़ी, ठीक है। अगर मैं लेज़ी नहीं होती तब मैं ये नहीं बोल रही होती कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब और स्टडी के बीच, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ या नहीं तो फिर मैं कर रही होती यूट्यूब भी डेली कंसिस्टेंटली, ना डिस्ट्रैक्ट हो पढ़ाई भी करती बढ़िया तरीके से, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली यू टेल मी हाउ टू ओवरकम लेज़ीनेस, कोई नया चैनल पे है देख रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन इन द कम्युनिटी सेक्शन। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना खूब सारा ध्यान रखो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स हूएवर यू वॉन्ट।